मई महीने की भक्ति का नौवां दिन, माता मरिया का एलिजाबेथ से भेंट। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान, मुक्ति दाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण, सारा जग मुझे धन्य कहेगा प्रभु मरिया ने देवदूत का शुभ संदेश स्वीकार किया। इस पर देवदूत ने अपनी बात का प्रमाण भी प्रस्तुत किया। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। आप उसका, जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना चल रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देवदूत का संदेश सुन लेने के बाद मरिया के मन में अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने की इच्छा का उठना स्वाभाविक था। मरिया तुरंत एलिजाबेथ के घर की ओर चल पड़ी। मरिया से मिलते ही एलिजाबेथ कह उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। अपने यहाँ मरिया की उपस्थिति को गौरवपूर्ण समझकर एलिजाबेथ ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मरिया ने उल्लसित होकर जवाब दिया, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहने के बाद मरिया अपने घर लौट आई। दृष्टांत, संत जोसेफ कोतोलंगो का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। वह इटली के ट्यूरिन नामक शहर का निवासी था। वह माता मरिया का परम भक्त था। वह अपने कक्ष में माता मरिया की तस्वीर के समक्ष प्रतिदिन माला विनती करता था। वह पड़ोसियों को भी इस प्रार्थना में भाग लेने हेतु अनुरोध करता था। अन्य लोगों के साथ मरिया के सम्मान में गीत गाना तथा उसके नाम का प्रचार करना उसे अति प्रिय था। उसकी तीव्र अभिलाषा थी कि वह दीनहीन एवं असहाय लोगों के हित में चिकित्सालयों और अनाथाश्रमों की स्थापना कर सके। इन शुभ कार्यों के लिए उसने माता मरिया की सहायता हेतु प्रार्थना की। माता मरिया ने अपने भक्त की प्रार्थना सुनी और उसे पूर्ण सहायता प्रदान की। दानदाताओं की सहायता से कई स्थानों पर चिकित्सालयों और अनाथाश्रमों का निर्माण हो गया। इन शुभ कार्यों को देख लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब हजारों व्यक्ति इन संस्थानों में लाभ उठा रहे हैं। इसी प्रकार माता मरिया अपने भक्तों तथा जरूरतमंदों की सहायता करती है। प्रार्थना। हे ममतामयी माता, भले कार्यों के आदर्श हमें कृपा दिला कि हम आध्यात्मिक एवं लौकिक भले कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहे तथा पड़ोसियों, गरीबों, दीनहीन एवं असहाय लोगों के प्रति प्रेम भावना रखते हुए उनकी सहायता कर सके। माता मरिया हमारी सहायता करे, आमीन। उसकी कृपा उसकी भक्तों पर सदा